हेलो स्टूडेंट, एएस आर्टिकल 7.7 दा सेकंड पार्ट। ठीक है जी, इस तो पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट आप कर चुके हैं। सेकंड पार्ट दे विच कह रहा था कॉस्ट ऑफ प्लॉट इज 6,40,000। तो जो स्टार्टिंग इनिशियली जो सानू कॉस्ट दी गई है प्लॉट की, वो कितनी दी गई है? 6,40,000। ठीक है जी, बट विल सॉरी इफ द इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% ऑफ इट्स प्रीवियस ईयर। इनक्रीज़ यानी हुण हर साल जो प्लॉट का रेट है और 5% दे नाल की हो रहा है, इनक्रीज़ हो रहा है हर साल 5% की हो रहा है, इनक्रीज़ हो रहा है आफ्टर एवरी ईयर। वट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। कहना 2 साल बाद इहदा प्राइस क्या होएगा आपां फाइंड करना। तो सिमिलरली कंपाउंड इंटरस्ट वाला आपां फॉर्मूला लगाएंगे, द प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू पी, क्योंकि रेट बढ़ रहा था, प्लस 1 + r/100 की पावर किन्नी। तो चलो सब्सिट्यूट करो, वालों वैल्यू प्रिंसिपल किन्ना 6,40,000, 1 + रेट किन्ना 5% / 100, टाइम किन्ना 2 साल। कैलकुलेट करोगे बच्चे, इतने आ जाएगा 640, 5 डिवाइडेड बाय 1, 5 डिवाइडेड बाय किन्ना आ जाएगा 20, यानी इतने आ जाएगा 20 + 1/20। जो एलसीएम लाओगे द स्क्वेयर 6,40,000, 20 + 1, 21/20 का स्क्वेयर 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20। ठीक है जी, इतों तुम फरदर कैलकुलेट करोगे, 0 + 0 कट जाएगियाँ, आ 2 0 इतने कट जाएगियाँ। ठीक है जी, 2 के टेबल से कट्टोगे कि आ जाएगा 3,200, 2 के टेबल से अगेन कट्टोगे कि आ जाएगा 1,600। ठीक है जी, साढ़े को जो बचिया वैल्यूज कि बचिया 1,600 × 21 × 21। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करा 1,600 × 21 × 21 साढ़े को कि 441। तो 441 मल्टीप्लाई कर लो कि 16 नाल, 0 बाद चो उदा ही लगा देंगे, 6 × 1 = 6, 24 × 2 = 24 + 2 = 26 आ जाएगा। 1 ना करोगे तो 1,446,501 = 6,7 कि आ जाएगा 7,056 × 0,00। तो 2 साल बाद जो प्लॉट का रेट हो जाएगा, वो हो जाएगा 7,56,100 रुपए। ठीक है जी, एक बार सारा क्वेश्चन तुम स्टार्टिंग तो चैक कर लो। येगा साढ़े को प्रिंसिपल वैल्यू, रेट दिता है टाइम, तो प्राइस आफ्टर 2 ईयर फाइंड कर ली, फॉर्मा लगाया, वैल्यू सब्सिट्यूट, आंसर किया। होप थानू क्वेश्चन क्लीयर हो गया होगा। ठीक है जी,